हेलो दोस्तों नमस्कार क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पे हमने कल रात बिटकॉइन के प्राइस में क्या देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस कल रात पंप हुआ था काफ़ी मतलब थर्टी एट थाउजेंड डॉलरस पे यहाँ पे चला गया था जैसे हमने रेजिस्टेंस अपनी बनाई थी उसको ब्रेक कर गया था लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया बुल ट्रैप हुआ और फिर से हम नीचे आ गए तो क्या रीज़न बना इसके ऊपर क्योंकि फेडरल रिज़र्व की कल रात यहाँ पे मीटिंग हुई थी फेड फेड की और यहाँ पे कई सारी डिस्कशन हुई इसके ऊपर इसके बारे में समझेंगे कि मार्केट में क्या हुआ और कैसे सिचुएशन यहाँ पे टर्न अप हुई क्या हीट बनी इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी इंफॉमेशन न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या इफेक्ट कर सकती है इस साल के बिटकॉइन के प्राइस और क्रिप्टो मार्केट के प्राइस को स्टॉक मार्केट के प्राइस को यूएस के तो इसके बारे में देखेंगे क्योंकि कल रात काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इसके बारे में आप एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें हुई हैं तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस और जो कल रात फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी कल मैंने आपको टेलीग्राम पे पर अलर्ट कर दिया था अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मेक शोर ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं आपको इनफॉर्मेशन वगैरह सारी देता रहता हूँ तो यहाँ पे मैंने आपको कल रात बताया था कि यूएस की फेड मीटिंग होने वाली है फेडरल रिजर्व की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है पंद्रह मिनट के अंदर और यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना मार्केट के अंदर क्योंकि हम एक मूवमेंट देख सकते हैं थोड़ी वॉलीटिलिटी देख सकते हैं फेड आखिर है क्या तो फेड एक तरीके से आर जैसे हमारे कंट्री में है सेंट्रल बैंक जिसे हम कहते हैं वैसे यूएस के अंदर एक फेड है जहाँ पे जो मोनिटरी पॉलिसीज़ होती हैं इन्फ्लेशन वगैरह चीज़ें रहती हैं वो सब वहाँ पर डिफाइन करते हैं नई नई पॉलिसीज वगैरह बना के रखते हैं तो यहाँ पे कल रात उनकी मीटिंग हुई अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट से पहले यहाँ पे इनने एक स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज़ करी आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज़ की गई जहाँ पे बताया गया कि हम जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई मार्केट के बारे में कि बहुत अच्छा हमारा धीरे धीरे पेंडेमिक कम होता चले जा रहा है और जो हमारे मार्केट्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं और जैसी ये स्टेटमेंट आई उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी पंप हुआ एकदम और थर्टी तक यहाँ पर चला गया था Uh, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप आया एक तरीके से लेकिन उसके बाद एक तरीके से लाइव स्ट्रीम हुई जहाँ पे फेडरल रिजर्व के जो चेयर पर्सन है वो यहाँ पे आगे आए उन क्वेश्चन आंसर्स करे क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारी चीज़ें रिवील करके आई और फिर जो इनने प्री स्टेटमेंट अपनी आने से पहले जो स्टेटमेंट ये निकाली थी उसमें ये टिक नहीं पाए और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर जहाँ से इनसे पूछे गए जहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया और बहुत सारी चीज़ें पूछी गई जहाँ पे इनने कुछ अगेंस्ट भी इसके बोल दिया तो लोगों को काफ़ी डाउट हुआ कि जो स्टेटमेंट इनने यहाँ पे प्री रिलीज़ करी है वो क्या ट्रू है या नहीं ट्रू है डेफ़िनेटली इसने काफ़ी मार्केट को इफेक्ट किया आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट भी काफ़ी पंप हुआ था उसके बाद एकदम यहाँ पे क्रैश आया मार्केट के अंदर और काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओवरऑल मार्केट है ये कल रात ग्रीन हो गया था काफ़ी सारे उसके ग्रीन हो गए थे लेकिन फिर से भी आप देख सकते हो डाउन हो गया है तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन उसके ऊपर हुआ लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें हैं फेड के ऊपर ऐसे, ऐसे जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस मार्केट जो है एक तरीके से इफेक्ट करता है बिटकॉइन के प्राइस को और क्रिप्टो के प्राइस को भी क्योंकि आप देख सकते हो ट्रेडिंग हमारी यूएस डॉलर्स में चलती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा यूएस मार्केट का तो हमने थोड़े यहाँ पे डम देखा आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो इनने एक और चीज़ यहाँ पे बोली कि इन्फ्लेशन हम यहाँ पे बढ़ते हुए भी देख सकते हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब बेसिकली है कि कितनी महंगाई यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब महंगाई जब बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे बढ़ता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो हमारा प्राइस नीचे की तरफ क्यों जा रहा है नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि कभी स्टेटमेंट कुछ आती है इनकी तरफ से कभी स्टेटमेंट कुछ आती है आप देख सकते हो यहाँ पे इनने बोला है कि जो हमारी इन्फ्लेशन होगी वो कंट्रोल रहेगी दो परसेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और यहाँ पर इनने कुछ और यहाँ पर बोला कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंड पोटेंशियल इवन मोर इन्फ्लेशन कैन गो फॉरवर्ड तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे निकल के आई है चीज़ें इसीलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा यहाँ पे टम्बल किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में थोड़ा यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ और फिर यहाँ पे हम नीचे आ गए लॉन्ग टर्म अगर लेके चलते हो तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बिटकॉइन के प्राइस प्राइप के प्राइस में डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन शॉर्ट टर्म फ्रेम में मार्केट में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है तो जो पैटर्न है आप देख सकते हो टेक्निकली अगर बात करते हो बिटकॉइन के प्राइस के बारे में तो मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया था कि एक तरीके से राइजिंग वेज भी बन रहा है हमारे प्राइस के अंदर और जो हमारा प्राइस टारगेट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक ब्रेक डाउन करता है बिटकॉइन का प्राइस तो हमारा प्राइस टारगेट हम यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स के यहाँ पे रहेगा आप देख सकते हो तो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मेक श्योर ज्वाइन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट एनालिसिस जब डालता रहता हूँ कई सारी चीज़ें वीडियो में मिस हो जाती हैं कल की वीडियो मिस हो गई मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको डाल दी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ ऑलमोस्ट हो गया हिट हो ही गया 35,600 का यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे चला गया तो आगे आप देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस कहां जा सकता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे वीक सपोर्ट यहाँ पे आई हुई है हमारी एज़ सच आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे वीक सपोर्ट हमें मिलेगी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ब्लेट सी क्या रहता है अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो थर्टी फोर थाउजेंड तक यहाँ पर रह सकता है और दोस्तों अगर आप यहाँ पे फेबनाची भी यहाँ पे ड्रा करते हो तो यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी तो यहाँ पे लोएस्ट से हाइस्ट में अगर आप फेबनाची यहाँ पे ड्रा करता हूँ आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको फेबनाची में भी यहाँ पे आपको पता चलेगा एक सपोर्ट यहाँ पे हमारी बन रही है थर्टी फाइव थाउजेंड लेवल की तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टम्बल कर रहा है पॉइंट फाइव के लेवल पे मतलब थर्टी सिक्स थाउजेंड के अराउंड और थर्टी सिक्स और थर्टी फाइव डॉलर एक यहाँ पे अच्छी यहाँ पे सपोर्ट काम करेगी आप देख सकते हो गोल्डन रेशो यहाँ पे आ रखा है तो इसके ऊपर मैं मेरी नजर है यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक सपोर्ट और यहाँ से हम बाउंस भी देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक और पैटर्न यहाँ पे बन रहा है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आप देख सकते हो एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है सम वॉर्ट आप देख सकते हो एक कप यहाँ पे बन रहा है हमारा जहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट यहाँ पे नीचे ही मिली है और यहाँ पे भी मिली है और एक हैंडल हमारे बन रहा है और आपको नहीं पता तो कप एंड हैंडल पैटर्न एक तरीके से बुलिश पैटर्न रहता है तो अगर यहाँ पे अगर प्राइस टारगेट इसका लेके चलते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ बढ़ सकता है यहाँ से अगर पम्प करता है तो नेक्स्ट टारगेट वही थर्टी नाइन का हमारा रहेगा इसके ऊपर वॉचआउट कर सकते हो अगर ये पैटर्न फोल्ड करता है तो हम डेफिनेटली एक पंप देख और जो रेजिस्टेंस आ रही है हमारी सेम वही रेजिस्टेंस है ये वाली जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी थर्टी एट थाउजेंड की जो रेजिस्टेंस है वो भी स्टिल एक्टिव है ओके okay, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी न्यूज़ भी ले लेते हैं जो पुटिन की तरफ से आ रही है रशिया के जो प्रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से जो आ रही है और यहाँ पर कल डिस्कशन हुआ है इनका गवर्नमेंट के साथ जहाँ पर कई सारी चीज़ें निकल के आई और, और यहाँ पर इनने माइनिंग के ऊपर भी बात की माइनिंग के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर डिस्कशन फोल्ड हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी ऑफिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आई है जहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं तो पुटिन ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि फ्यू क्वेश्चन पूछे हमें मेरे को पता है कि इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं स्पॉटलाइट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चल रही है और आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो यहाँ पे बैन करने का लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे रखना चाहता हूँ पुटिन ने पर्सनली ये बोला कि आप देख सकते हो कि मुझे पता है कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है इस एक्टिविटी से अगर आप इसको क्रिप्टो करेंसीज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो कुछ यहाँ पे रिस्क आते हैं लेकिन तो यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट पुटिन ने यहाँ पे ये चीज बोली कि कॉम्पिटेटिव हमारे पास एडवांटेजेस हैं यहाँ पे स्पेशली सो कॉल्ड माइनिंग के अंदर आप देख सकते हो और यहाँ पे हमारे पास सर्पस एनर्जी भी है मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है प्लस वेल ट्रेन पर्सनल भी हमारे हमारे कंट्रीज के अंदर है तो हम माइनिंग को क्यों पीछे हटाएं तो यहां पे बहुत अच्छी चीज निकल के आई रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से कि माइनिंग यहां ये सपोर्ट कर रहे हैं आप देख सकते हो माइनिंग के ऊपर बोला है और ने बोला है कि गवर्नमेंट कुछ चीजें लेके आए कुछ रेगुलेशन लेके आए कुछ अच्छे रेगुलेशन यहाँ पे लेके आए तो आप देख सकते हो ऑफिशियल यहाँ पे प्रेजिडेंट ऑफ रशिया मतलब ऑफिशियल इनकी साइट है उसके ऊपर पे ये चीजें है लेकिन हमने देखा अच्छी चीज की पुटिन जो है माइनिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की और बिटकॉइन की माइनिंग को एक्सेप्ट करना मतलब ब्लॉक को एक्सेप्ट करना और साथ ही में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना ठीक है तो एक अच्छी यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है ओके okay, दोस्तों नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है माइक्रो माइक्रोस्ट्रेट की तरफ से और माइक्रो स्ट्रेटर्जी के सी एफ ओ ने यहाँ पे बोला है कि हम बिटकॉइन को बाय करने वाले हैं साल के अंदर और चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए हम डेफिनेटली इसको बाय करने वाले हैं आप देख सकते हो माइक्रो माइक्रोस्ट्रेटर्जी की होल्डिंग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है ऐसा ही करते चले जा रहे हैं हर मंथ यहाँ पे कुछ ना कुछ बाय करते चले जा रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनीज़ वगैरह जैसे माइक्रोस्ट्रैटेजी है वो फुल्ली यहाँ पे बाय करती चली जा रही है चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए इनको पता है कि ओवरऑल बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर ऊपर ही जाएगा नेक्स्ट यूज कह रहा है टेस्ला की तरफ से और आप देख सकते हो तो टेस्ला तो ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं टेस्ला की तरफ से कि टेस्ला ने पिछले क्वार्टर में मतलब Uh, 2021 के लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर फोर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग कम नहीं करी आप देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ला डिड नॉट सेल बिटकॉइन क्वार्टर फोर में इनने बिल्कुल भी बिटकॉइन नहीं सेल किया आप देख सकते हो कि जून के अंदर जब यहाँ पे क्वार्टर टू यहां पे खत्म हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो होल्डिंग और उसके बाद थोड़ी यहां पे होल्डिंग कम हुई थी आप देख सकते हो जब मार्केट में थोड़ा यहाँ पे क्रैश आया था और मस्क निकल के आए थे सामने और उन्होंने ये बोला था कि हमने थोड़े बहुत सेल करके देखे ये देखने के लिए कि हम लिक्विडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते और आप देख सकते हो कि क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के अंदर जो इनकी बिटकॉइन होल्डिंग सेम को रही कोई भी ना इंक्रीज की ना इनकी डिक्रीज की तो काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि टेस्ला लॉन्ग टर्म विजन पे ल, रख रहा है बिटकॉइन के अंदर और डेफिनेटली हमें भी रखना चाहिए अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर लॉन्ग टर्म विजन तो हम अपना पोर्टफोलियो सेल करके कहा ही जाएंगे नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है मार्केट के बारे में और मार्केट में थोड़ी यहां पे पैनिक क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है वॉर की सिचुएशन अगर आती है तो डेफिनेटली हम मार्केट के अंदर थोड़ा यहाँ पे रिसेशन दे देखेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा पे नजर रखना जो चीजें हैं तो दोस्तों इतना ही हुआ आज की वीडियो में और जो भी फेड के जो मीटिंग वीटिंग हुई है इनकी वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए हमने थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा क्रैश देखा था लेकिन लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऊपर जाते हुए देखेंगे देखेंगे डेफिनेटली बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म जो भी टीए वगैरह रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा मेक श्योर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना आप देख सकते हो मैं आपको डेली यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है कहाँ से हम रिजेक्ट हो सकते हैं कहाँ सपोर्ट है सब चीज़ें मैं आपको चार्ट वगैरह आपको बताता रहता हूँ तो मार्केट के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन गुड बाय